अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो यू आर फाइन एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्रिएशन। आज आपके लिए प्री स्कूल डेकोरेशन आइडियाज़ लेके आए हैं कि आप अपनी प्री क्लासेस को कैसे डेकोर कर सकते हैं, कैसे वॉल्स की डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग आइडियाज़ हैं जो कि आप इजीली बना सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर लर्निंग आइडियाज़ को वॉल पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, फ्रूट स्नैम को इस तरीके से वॉल पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग सॉफ्ट बोर्ड आइडियाज़ हैं, इस तरीके से आप सॉफ्ट बोर्ड थीम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और ये वॉल डेकोरेशन आइडियाज़ बहुत ही बेस्ट हैं। वॉल हैंगिंग आइडियाज़ हैं, इस तरीके से आप स्टार की हैंगिंग करवा सकते हैं, इस तरीके से एयर बैलून बना सकते हैं, वॉल्स को इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं, इस तरीके से प्लांट्स बना के उसमें साइट वर्ड्स को डिस्प्ले करवाया जा सकता है। इस तरीके से बुलेटिन बोर्ड आइडियाज़ हैं, अपने सॉफ्ट बोर्ड को इस तरीके से इस तरीके की थीम उस पर डिस्प्ले करवाई जा सकती है। कलर्स लर्निंग आइडिया को डिस्प्ले करवाया जा सकता है, या अपने कॉरिडोर में, या इस तरीके से सॉफ्ट बोर्ड को, बुलेटिन बोर्ड आइडियाज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं। बहुत ही यूनिक आइडियाज़ हैं जो कि आप इजीली बना सकते हैं। ओशन थीम को डिस्प्ले करवाया जा सकता है, बच्चों में ओशन थीम का कंसेप्ट डेवलप करवाया जा सकता है। कलर लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं, इस तरीके से कलर्स लर्निंग आइडियाज़ को क्लास में डिस्प्ले करवाया जा सकता है। इस तरीके से फ़िश बना कर अपनी क्लास को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोर किया जा सकता है। लेडी बर्ग की थीम को डिस्प्ले करवाया जा सकता है, काइट के थीम को इस तरीके से। बहुत ही इफ़ेक्टिव और अमेजिंग ये वॉल डेकोरेशन आइडियाज़ है, इस तरीके से आप अपनी वॉल्स को डेकोर कर सकते हैं। और इस तरीके से जॉकर्स बना सकते हैं, कलर्स लर्निंग के लिए अपनी प्री क्लासेस में इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं, कलर्स लर्निंग का आइडियाज़ कंसेप्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। स्पेस थीम को इस तरीके से डिस्प्ले करवाया जा सकता है, और जंगल थीम का आइडिया बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग है। हम इस तरीके से जंगल थीम को डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी क्लास में। और इस तरीके से बलून्स के आइडिया में वोवल्स और कंसोनेंट का कंसेप्ट भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है अपनी वॉल्स में। इस तरीके से अपनी वॉल्स को बर्ड्स की थीम से डेकोर करवाया जा सकता है। इस तरीके से हैंगिंग आइडियाज़ में ये बहुत ही बेस्ट है, बैक टू स्कूल के आइडियाज़ के लिए ये इफ़ेक्टिव आइडिया है। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ट्री की डेकोरेशन करवा सकते हैं। लाइब्रेरी थीम, लाइब्रेरी के लिए आइडिया बहुत इफ़ेक्टिव है। नंबर्स लर्निंग आइडियाज़ को इस तरीके से विद हैंड हम क्लासरूम में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ऑल थीम को इस तरीके से डिस्प्ले करवाया जा सकता है, ऑर्डिनल नंबर्स को, इवन और ऑड नंबर को डिस्प्ले करवाया जा सकता है। नंबर लर्निंग आइडियाज़ में इस थीम को, इस आइडिया को डिस्प्ले करवाया जा सकता है इफेक्टिव और अमेजिंग तरीके से। ऑल थीम का ये आइडिया बहुत ही इफेक्टिव और बेस्ट है, बहुत ही इफेक्टिव और अमेजिंग आइडियाज़ हैं। प्री क्लासेस के लिए हम अपनी प्री क्लासेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं। सन का आइडिया बहुत बेस्ट है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव और अमेजिंग आइडियाज़ हैं प्री क्लासेस के लिए। आप अपनी प्री क्लास स्कूल्स को, प्री क्लासेस को इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं, अपने स्कूल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स इनसे लर्न करें, स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं। रेनबो का कंसेप्ट दे सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स का कंसेप्ट दे सकते हैं। इस तरीके से डोर डेकोरेशन आइडियाज़ बहुत बेस्ट हैं अपनी प्री क्लासेस में या स्टूडेंट्स में। कंसोनेंट, वोवल्स और का कंसेप्ट डेवलप करवा सकते हैं, वॉल्स पे इस तरीके से कंसेप्ट डेवलप करवा, डिस्प्ले करवा सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से डिस्प्ले करवाया जा सकता है बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है। रेम्बो का आइडिया बेस्ट है, अम्ब्रेला प्लस रेम्बो, इसमें हम वर्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिक्टेशन वर्ड्स को इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं, साइट वर्ड्स को। नंबर लर्निंग आइडियाज़ बहुत इफेक्टिव और अमेजिंग आइडियाज़ खाएँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।